माय नेम इज दीपेंद्र सिंह फ्रॉम सेकेंड ईयर सीएससी ब्रांच। तो जब मैंने पहले जैसे सेमिनार का जब मैं पता चला तो पहले मेरे अंदर कॉन्शियसनेस के रिलेटेड कुछ पता नहीं कि क्या होता। फिर जब मैं करना शुरू किया तो मुझे बहुत कुछ पता चला, जो हमारे थॉट्स हैं कैसे हमें इन्फ्लुएंस करते। पहले मैं कंक्लूड करके बातें करता था, लोगों के बारे में कंक्लूजन बना लेता था, लेकिन अब मैं ज़्यादातर कंक्लूजन के थ्रू ना जाकर ऑब्जर्वेशन करता हूँ। और अब पॉज लेना, पहले पॉज ही देता तुरंत रिएक्ट कर देता था बातों का, कोई कुछ बोल दिया हमारे अंदर कोई रिएक्शन ट्रिगर हो गया तो उसको तुरंत मतलब जस्टिफाई करने लगना या समझाने लगना, तो वो पॉज नहीं देता। अब पॉज लेने लगा हूँ। पहले अवेयरनेस नहीं थी अपने में, तो अब थोड़ा सा ज़्यादा अवेयरनेस है चीज़ों को लेके। तो अब मेरा तो पहले टाइमटेबल नहीं अच्छा था, मतलब सो के कब उठना है तो अवेयर नहीं था मैं, क्लासेस लेनी नहीं लेनी। तो अब थोड़ा सा वो टाइमटेबल सुधर गया और मैं अवेयर हूँ। और पहले लिसनिंग हैबिट नहीं थी, मैं ह्यूमन वैल्यूज का क्लास नहीं ले पाता था पूरा, अब ले लेता हूँ। पहले बहुत एब्सेंट होता था, अब थोड़ा लिसनिंग हैबिट का वो लिसनिंग हैबिट डेवलप हुआ अंदर। और पहले जैसे अब मैं बताऊँ तो फीलिंग को लेके है, पहले मैं वर्ड्स पे जा जाता था, आगे वाले की फीलिंग को ना जान के वर्ड्स को ही आना, मतलब क्या कहना चाहता उसको समझ नहीं चाहता था, बस अपने कंक्लूड कर लेता कि ऐसा ही कह रहा है, ये ऐसा ही मतलब इसका इंटेंशन मतलब ऐसा है। अब इंटेंशन में जाते हैं, पहले नहीं जाते। अच्छी बात है।